डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। अगर टर्म एंजाइम को देखा जाए तो ये टू वर्ड से बना है, एक वर्ड एन और दूसरा जन। एन का मतलब है इनसाइड और जाइम का मतलब है यीस्ट। एंजाइम मीन इनसाइड यीस्ट। एंजाइम को फर्स्ट टाइम लुईस पास्टर ने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्टर। लेकिन यीस्ट से फर्स्ट टाइम इसको एडवर्ड बचलर ने आइसोलेट किया, आइसोलेटेड फ्रॉम यीस्ट by Edward Bachelor. The term enzyme was used by Kohn. Enzyme को नाम Kohn ने दिया, क्योंकि ये inside yeast होते हैं, इसलिए Kohn ने इसका नाम enzyme रखा। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने एंजाइम की डिस्कवरी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा और भी बहुत से साइंटिस्ट थे, जिस तरह एंसेल्मी पाइन नामी एक साइंटिस्ट था, जर्मन था, उसने भी एंजाइम की डिस्कवरी में बहुत काम किया है। अब आते हैं एंजाइम की डिफिनीशन के बारे में। तो एंजाइम्स आर biological catalysts. Enzyme biological catalysts हैं, which speed up and control chemical reactions in the एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स व्हिच स्पीड अप एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये रिएक्शन एक घंटा में 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनाता है, पर आवर ये 200 मॉलिक्यूल्स बनाता है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम ना हो, एन एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में एक घंटा में कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर एंजाइम यूज किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है और ये एंजाइम की मौजूदगी में हो तो तकरीबन 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकंड में। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब एंजाइम रखा जाए, ये एंजाइम कार्बोनिक इनहाइड्रेज है, कार्बोनिक इन हाइड्रेस। जब ये एंजाइम रखा जाए तो एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी मेनी मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दिस रिएक्शन। याद रखें, कार्बोनिक इनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, इट इज अ फास्टेस्ट एंजाइम। ये एंजाइम्स में सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। तो ये
इंजाइम की डिफिनेशन, इंजाइम की डिस्कवरी और इंजाइम के नाम के बारे में टॉपिक था। अब रिव्यू करते हैं इंजाइम्स। इंजाइम वर्ड को तर्क को देखा जाए तो इंजाइम दो वर्ड से बना है, एन मीन इनसाइड और जाइम मीन ईस्ट। इंजाइम को फर्स्ट टाइम लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको ईस्ट से एडवर्ड बचनर ने आइसोलेट किया और इंजाइम का नाम कोहनी ने रखा। फिर बचनर इसको जाइमेस कॉम्प्लेक्स के नाम से पुकारता था। बचनर ने इसका नाम जाइमेस कॉम्प्लेक्स रखा था, लेकिन कोहनी ने इसका नाम इंजाइम रखा, क्योंकि ये ईस्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए कोहनी ने इसका नाम इंजाइम रखा। Enzymes are biological catalysts. Enzymes biological catalyst होते हैं, which speed up and control chemical reactions in the body. जो body में chemical reactions को speed करते हैं और control करते हैं। Example आपने दिया carbon dioxide H2O के साथ मिलता है तो reaction करता है तो H2CO3 यानी carbonic acid बनता है। एक घंटे में कितने carbonic acid बनेंगे? एक घंटे में 200 molecules carbonic acid बनेंगे in absence of enzyme. अगर इंजाइम को रखा जाए इंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बनाता है। ये कार्बनिक एसिड एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे। याद रहे कि कार्बनिक एनहाइड्रेट सबसे फास्टेस्ट इंजाइम है। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेचर ऑफ इंजाइम्स के बारे में। अगर इंजाइम के नेचर को देखा जाए तो मोस्टली enzymes are protein. Enzymes protein से बने होते हैं, लेकिन अगर enzymes के chemical nature को देखा जाए तो chemical nature की वजह से enzyme को हम दो categories में divide करते हैं। एक सिंपल एंजाइम्स और दूसरी कैटेगरी है कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं। प्रोटीन पार्ट को एकोएंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहा जाता है। यानी एकोएंजाइम फंक्शनलेस होते हैं जब तक इनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच ना हो। दोनों एकोएंजाइम और कोफैक्टर्स मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। होलो एंजाइम फंक्शनल एंजाइम हो, यानी कोफैक्टर्स प्रोटीनिक पार्ट और नॉन प्रोटीनिक पार्ट मिलकर होलो एंजाइम बनाता है। अब कोफैक्टर्स दो किस्म के होते हैं, कोएंजाइम्स और दूसरा है प्रोस्टेटिक ग्रुप। याद रहे कोएंजाइम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, ये सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट पर मुश्तमिल होता है और ये लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच विद एकोएंजाइम। ये एकोएंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है और इजीली डीअटैच हो सकता है। इसके एग्जांपल हम
in AD, FAD, etc. Yes. Example. Prostatic group. वो कोपेक्टर्स हैं जो टाइटली अटैच होते हैं विद एपोएंजाइम. ये एपोएंजाइम के साथ टाइटली अटैच होते हैं एंड कैन नॉट सेपरेट इजीली, और इसलिए ये अटैच नहीं हो सकते. प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मे बी ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये प्रोस्टेटिक ग्रुप के एग्जांपल है. और इस तरह ये मेटालिक आयंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल Ca++, Mg++. तो ये है एंजाइम का नेचर, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.